हेलो ऑल, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड सेफ। सो आज मैं थोड़ा सच सबर के आई हूँ बिकॉज दिवाली आने वाली है, और अगर आपके घर में दिवाली पार्टी है तो, और अगर आप एक मेरी तरह बिजी मॉम हो एक नॉटी किड का, तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा सजने सवरने के लिए। तो आप सिर्फ 5 मिनट में कैसे अपने आप को एलिगेंट दिखा सकते हो, मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। बिल्कुल सी सिंपल प्रोडक्ट से ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी एलिगेंट दिखने के लिए। सो देखो, ये मैंने साड़ी पहनी है, मेरा बहुत फेवरेट साड़ी है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। तो ये साड़ी पहन के मेन जो है वो है आपका ड्रेस बहुत ब्राइट होना चाहिए, और आपका मेकअप, अगर आपका मेकअप बहुत ही सिंपल है तो आपका ड्रेस ब्राइट होना चाहिए, और आपका आँख वो हाईलाइट होना चाहिए, और कुछ नहीं, फिर आप अपने आप ही एलिगेंट लगोगे। तो ये है मेरा लुक। अगर मेरे घर पे दिवाली पार्टी हो रही होती और मुझे डेकअप करना होता तो मैं ऐसे ही करती, सिंपल बट एलिगेंट। सो चलिए देखते हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, मेरे पास मेकअप की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा जो प्रोडक्ट्स है उससे मैं ये लुक क्रिएट करके आपको दिखा रही हूँ। सो चलिए देखते हैं। चलिए, फॉर दिस दिवाली लुक फर्स्ट मैंने अपना स्किन क्लीन कर लिया है फेस वॉश से। अब मैं अप्लाई करूँगी लैक्मी सीसी क्रीम, थोड़ा सा, क्योंकि अब ठंड पड़ने वाली है तो मैं लैक्मी सीसी क्रीम के साथ थोड़ा सा मेरा जो रेगुलर मॉइस्चराइज़र है वो मिक्स कर लूँगी ताकि मेरा स्किन ड्राई ना हो। तो मैं इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से ही लगा लूँगी। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, और एक ड्यूई ग्लो भी आपका चेहरे पे आएगा। तो इसीलिए गले पे भी लगाना है। तो ये हो गया मेरा सीसी क्रीम लगाना। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लैक्मी रोज पाउडर जो है वो अप्लाई कर लूँगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अप्लाई करना है, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे मॉम्स हैं जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सजने संवरने के लिए, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आई थिंक। इसके बाद मैं लाइनर लगा लूँगी, मैं फ़ोन पे ही देख के कर रही हूँ। लाइनर आप
अपने हिसाब से लगा लो। ये हो गया, इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी काजल। ये हो गया, इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी हल्का सा लिपस्टिक। ब्रोज मैं करती नहीं हूँ, इसके बाद बारी आती है हेयर का। तो हेयर आप अपने हिसाब से खुला भी रख सकते हो, आप चाहे बिंदी भी लगा सकते हो और मैं जो करती हूँ वो है थोड़ा सा ऐसे। तो ये हो गया आपका पूरा मेकअप। अब मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, देख सकते हो पूरा मेकअप हो गया, सिंपल बट एलिगेंट। दिवाली पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से बिंदी लगा सकते हो, नेकलेस भी पहन सकते हो, मैं प्रेफर नहीं करती। हेयर स्टाइल सिंपल होना चाहिए। तो ये है मेरा लुक साड़ी के साथ। तो ये है, चाहो तो बालों पे थोड़ा जो फ्लावर्स होता है वो लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो बेसिकली है बिजी मॉम्स के लिए, जो अपने बच्चों के कारण ज़्यादा टाइम नहीं ले पाता, ज़्यादा टाइम नहीं होती है उसके पास अपने आप को सजने संवरने के लिए। तो उन लोगों के लिए, उन मॉम्स के लिए ये है, ताकि वो भी अपने आप को खूबसूरत दिखा सके। तो सिंपल सा लुक है लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एलिगेंट लगोगे दिवाली पार्टी पे। तो ये है पूरा लुक, ठीक है। हेयर स्टाइल हमेशा सिंपल होना चाहिए, ताकि आप आर्टिफिशियल ना लगो, नेचुरल लगो। तो दिवाली पार्टी के लिए आई थिंक, अगर आपके घर में ही पार्टी है, आप अगर होस्ट हो, आपके पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो ये सिंपल सा लुक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी ब्यूटीफुल नेचुरली। तो अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे विथ मी फॉर मोर वीडियोस, एंड यू कैन आल्सो सेंड मी और टेल मी सजेशंस व्हाट वीडियो कैन आई मेक। सो बिल्कुल मुझे सजेशन भेजिए, ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू।